एक प्रेमी की हालत क्या होती है राधा के दिल से पूछो। छोड़ने का दुख क्या होता है ये मैया यशोदा से ज्यादा कोई नहीं जानता। एक प्रेमी का प्रेमी से बिछड़ने का दुख क्या होता है ये राधा से ज्यादा कोई नहीं जानता। उद्धव जी जब आए हैं आकर के भगवान को सारी सच्चाई बताई तो आज लोग भगवान रोने लगे हैं। मन में सोचे मदन मुरारी और बोली झूठन में राधा से बोली झूठन में राधा से वो करी अपनी याद रहे लोगों। यही द्वारका में भगवान के बड़े भैया बलराम का विवाह आनर्त देश के रहने वाले राजा रेवतक की लड़की रेवती से हुआ और कन्हैया को भी अवकाश बहुत है। भवना भाई कितने 16,108 वाह। पहला विवाह प्रभु का कहां से हुआ ये बहुत सुंदर कथा है। अतुल यादव सनोब श्रीमान राजकुमार यादव नगला परम सुखेटा सौ मुद्रा अंतिम दिन की विदाई में भेंट की है परमात्मा धन के भंडार भरते रहे। जय हो। याद रहे लोग जवाब दिया है भगवान का पहला विवाह कहां से हुआ और ये रिंकू टिंकू यादव ब्रदर टिंकू यादव बीटीसी समोह श्रीमान सतेंद्र सिंह नंगला हिम्मत एक हार हमारे लिए एक हार परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज के लिए 11-11 मुद्राएं हमारे साथियों के लिए ब्रदर टिंकू यादव बीटीसी। मैं कामना करता हूं भगवान भैया की लंबी उम्र करें। याद सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित ये जिला औरैया में खुदरकोट है जिसे पहले कुंदनपुर कहा जाता था। इसी कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं लोगों नाम है भीष्मक। आओ सुने कि कुंदनपुर कुग्राम मनो सुमधाम सुनो चितलाई और जाके वीर सिंह भीष्मक है भूपाल रे के बड़े बजावा I'm
बेटा दे दिए, कोई लड़के नहीं दिए, एक बिटिया और दे देते दे तो जीवन धन्य हो जाते। मैंने ये सुना है कि जो पिता अपने जीवन में एक कुंवारी कन्या के पीले हाथ नहीं करता, उसका जीवन अधूरा होता है। एक लड़की के लिए महाराज कितने दुखी हैं लोगों। आजकल आप देखो, अगर काऊ के घर में बिटिया जन्म ले ले तो पूरे घर के दिमाग खराब हो जाते। उनसे पूछो घर में कहा जन्मो, ऊंट टोर के गाते मोड़ी भाई। उसकी एक बूंद सी होती है बेटियां, प्यार में अंतर मिले तो रोती है बेटियां। और बेटा लाज रखेगा तो एक ही कुल की और दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। जय बंधुओ, एक बार को घर में अगर चार लड़के हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को ठुकरा देंगे, लेकिन लोगों बेटी कभी अपने माँ बाप को ठुकराएगी नहीं। बेटे से बेटी का फल दुगना होता है परीक्षित महाराज। अगर घर में चार बेटियां हैं तो परिवार वाले मोहल्ला वाले हंसी करने लगते हैं, बोले देखें ब्याह कैसे करें मोड़न के। अत कहो कि लली रही बिना ब्याह के, और लड़का अच्छे अच्छे पैसा वाले के लड़ुआ घूम रहे होता ही ना याद ना लोग। ऐसी भगवान की कृपा देवर्षि नारद आए के लली जन्मी सोई। हरे राजा भीष्म, कहिए भगवान आज तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? आज महाराज हम खुश हैं। अरे खुशी वाली बात या खुशी होने वाली या खुशी हो गई? अब तुम जैसे समझ ले प्रभु खुशी हुई है। क्या खुशी हो गई महाराज? घर में पांच बेटा थे, कोई लड़की नहीं थी। आप लोगों के पवित्र आशीर्वाद से कन्या ने जन्म लिया है, मेरी बेटी का नाम रख दो। और भगवान ये भी बता देना कि शादी किससे होगी। शादी पहले देव ऋषि नारद ने पत्रा को खोला है। अरे सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो और मुनि सोची बाकी लगन रे के नाम है धन। क्या? क्या भगवान मेरे दामाद बनेंगे? बोले हाँ। अरे खुशबत सी छाई गई तन में, राजा लिपट पड़ो चरण में। दामाद बनेंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, घर में चार चांद लग जाएंगे, बहुत खुश हुए। तो देव ऋषि नारद बोले बाबा जी जवाब दो महाराज भीष्म, कहिए अगर अब आपकी आज्ञा मिले तो अब हम जाना चाहते हैं। अरे रुक लो भंडारो खा लो तब जाइए। अब नहीं रुकेंगे। अरे बांधने एक पलात में लड़ू। नहीं नहीं अब नहीं, अब तो जाएंगे। संत सुखी विचरंत मही, संत तो तभी सुखी रहता है जब वो विचरण करता रहे। जिस प्रकार से एक जगह भरा हुआ पानी दूषित हो जाता है, उसी प्रकार एक जगह रुका हुआ संत भी अपवित्र हो जाता है। बिल्कुल अब तो जाएंगे। अरे नारद वहां से चल रहे हैं, मगन नहीं धीरे
रुकमणी बड़ी हुई, एक दिन अटा पर खड़ी है, नारद जी निकले गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया।